एवरीवन अगेन, तो अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं फॉर द नाइट पार्टी। कृष्णा तो चिल कर रहा है एकदम। देखते हैं भाभी लोग रेडी हुए कि नहीं हुए। लेट्स सी। ओ गॉड, सब लोग पार्टी मोड में रेडी हो चुके हैं। तैयार हो? फिर मैंने बोला सोना तो तू लाड़ा ही लग रहा है पूरा। तो मस्त लग रहे हैं। गोरे भाई को तो पहचाना ही नहीं भैया, इतने यंग लग रहे हैं। और ओहो, यहाँ देखो, यहाँ भी रेडी हो चुकी है। अरे वाह, और कहाँ है? ओहो, यहाँ की मॉडल्स का क्या हाल है? ओहो, आंटी पूरी तैयार है। ओ भाभी, ओ सबसे क्यूटेस्ट धनवी, ओ धनवी, वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी।
चाची आपको मिली है मैम, मेरी कुर्सी बराबर है। ये लोग जीत चुके हैं। ये लोग बाहर हो गए, ये और वो भाभियों को निकाल दिया। चीटिंग है, चीटिंग हो रही है, चीटिंग है। ये फिर से जीत चुके हैं। You can do it, Angel. मैं लड़का तो हूँ, मैं तो लड़कियों के ग्रुप में ऐसे खेल रहा नहीं था। तो इस वक्त मैं आउट हो चुकी हूँ बहुत दिन तरह से। हम जीतेंगे। जजिंग कर रही हूँ और मैं बहुत आराम से यहाँ बैठी हूँ और ये लोग
थैंक यू एवरीवन, सब लोग आए मिला सबके साथ ऐसे हर साल बर्थडे मनाना ऐसे आप चाहते हैं सब की पार्टी होती रहे हर साल ऐसे मनाना सारे गम शिकवे ढिले भूल जाओ एंजॉय करो हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं है चार दिन रहने को तुम्हारा लुकआउट है गया फोन चार दिन रहने को जा रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है चाची उधर के हाथ में दे दो हाँ रुको चलो भाई बबलू भाई एक साखी साखी पे डांस एक
रेशमा तूने इतना शोर मचाया कि बाहर पुलिस आ चुकी है। तेरा फेवरेट गुलाब जामुन भी होगा। बाहर पुलिस आ चुकी है, इतना तूने लाउड स्पीकर लगाया था तेरा चिकनी चमेली डांस के चक्कर में। भैया जी परेशान हो चुके हैं हमारे से पूरी तरह। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं हो गया, आपको एंटरटेनमेंट मिला फ्री का एक तो और ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल चुका है जिया जी के तरफ से। आज डिनर का अरेंजमेंट हो चुका है ना, और दीदी ने हमको बस जुम्बा बहुत अच्छा जुम्बा डांस करवाया। भाभी पेट हल्का हो गया, तू तो पहले मोटी थी, अब थोड़ी पतली लग रही है। कम किया क्योंकि दीदी ने बहुत अच्छा जुम्बा डांस, और अभी मैं 10 गुलाब जामुन जाके वापस कर दूंगी। और आज का जो शो स्टॉपर था वो अक्षु था। एक्चुअली यू डिड द बेस्ट, तेरा प्राइज मैं घर जाके दूंगी। पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी नहीं, चीकू था बट स्ट्रॉबेरी के बाद था। एप्पल एप्पल मैंगो बनाना स्ट्रॉबेरी चीकू कीवी कैरेट पाइनएप्पल ड्रैगन फ्रूट पोमेग्रेनेट याद रखने फ्रूट जंगल में शेर देखा था, शेर मुझे पकड़ने लगा था, शेर को देख के सब डर गए लेकिन शेर ने टोपी पहनी थी, उसे देख के मेरे को बहुत हंसी आई और उसे देख के मुझे बहुत रोना और मैंने आइसक्रीम खा ली। उधर एक हाथी भी था। झूले खाते खाते मैं गिर गई, जब ये गिर गई तो मुझे बहुत टेंशन हो गई और इनको टेंशन करके मुझे बहुत हंसी आई और टेंशन में देख के सबको मुझे रोना वो मुझे चुटकी लगी है। और वहाँ पे एक चोर भी था जो सबका सामान लेके जा रहा था, चोर हंस दिया। मैं क्या बोलूं, सारे बच्चे रो रहे थे, वो चोर उठा के ले गया उनको, चोर मुझे देख के फिदा हो गया। पर मैं फिर भी स्ट्रिक भी खेल रहा था, फिर भी आया, फिर बच्चे हुए, फिर चोर बैठना, वो चोर मैं ही था। बोलना। और मैं गार्डन में झूले झूल रही थी, मैंने गार्डन में बहुत सारे झूले झूले और बहुत मस्ती की, और वहाँ पे दो बंदर भी थे और वहाँ पे एक शेर आ गया, वहाँ पे मैंने वो झूलते झूलते मैं पटक के गिर गया, उसको पटक के देखकर मैं डर गई और भाग गई वहां से। हाथी चूहे के पीछे भाग रहा था। क्या बोला कि मैं परेशान हूं, वहां पे एक चींटी भी जा रही थी और हाथी के पैर के नीचे मर गई, चींटी ने खाना खाया, चींटी प्रेग्नेंट थी, चींटी मर गई, वो चींटी मैं ही थी, वो चींटी वो
चींटी ऑटो रिक्शा में आ रही थी। वो ऑटो रिक्शा मैं चला रहा था। हमने गार्डन में पिकनिक किया, वहां पे बहुत कुछ खाया। बंदर के पीछे खरगोश भाग रहा था। इनका बंदर ही खत्म नहीं है। मैं स्लाइड से कूद गया। मैं सबसे टॉप बिल्डिंग से कूद गया गार्डन में। और मैंने सोचा मैं गार्डन से निकल कर जंगल में चली जाऊँ। जंगल का रास्ता मैं भूल ही गई। जंगल अमेज़न रिवर के बाजू में था। उधर मैंने सांप भी देखा। अचानक रात हो जाती। वेलकम। इसको चैन नहीं पड़ा और ये सुबह सुबह आ गई। ये सुबह सुबह इनको ठंडी लग रही, इतनी ठंडी है ना यहाँ पे। और ये लोग पूल में सुबह 6 बजे के। आओ जी मिलते हैं सबसे। किसी का जाने का मन तो नहीं है। नहीं है ना, हम खुश हैं बहुत। ये तो अभी आई है बेचारी, ऑफिस की टेंशन है, फिर रोटी बनाओ, इधर बनी बनाई रोटी, फुल रिलैक्स वाली लाइफ इधर जी रहे हम लोग, मजा आ रहा है। तो घर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। सिर्फ इनको जाना है बेटा। बाय बाय, इट्स टाइम टू लीव। सहज बाय सहज, तूने ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए यार। इट वॉज सो फ्यू आवर्स यू वर हियर विद अस। बाय बेटा, बाय तज्जू, मजा आया। ओके बाय जज्जू, बाय अशू, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। या गोवा, या चलो यहाँ भी देख लेते हैं। चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, ग्रेट फन। या थैंक यू, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर सो मच लव। थैंक यू एवरी वन। सो आने का तो मन किसी का भी नहीं है, मगर बुकिंग्स इतनी ही थी। यहाँ पे ही रहना यार, स्विमिंग पूल में सोना है। हाँ तो रह जाए यहीं पे। यहाँ भी गाड़ियाँ रेडी हो रही हैं। बाय भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया, बहुत। ओके बाय बाय एवरी वन। Bye everyone. Bye. Bye. Hope you all enjoyed. Yes. Very much, very much. Very much. Bye. Thakur ji ko bhi bye bye. Ji party ke liye. Okay. Hain? Nahi jana aunty ko, nahi jana. Bahut maza aaya. Thank you, aap aaye ho aunty. Thank you. Bye Thakur. Bye bye. Bye. Thank you. Okay, tata. Thank you for everything. Bye. You have danced well. Bye bye bye. बहुत मजा आया। वापिस आने अगले बर्थडे में आएंगे। बाय, थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भैया। तो ठीक हो जा जल्दी जल्दी। ओ हेलो फोन मैन, बाय। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस। बहुत एंजॉयमेंट करके सभी बहुत खुश थे। बहुत अच्छा लगता है जब सब खुश होते हैं, और अगर हम किसी की खुशी की थोड़ी सी भी वजह बन जाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ऑल थैंक्स टू विजय जिन्होंने इतना सुंदर बर्थडे सेलिब्रेशन किया, अपना भी मेरा भी, और उसी के साथ साथ सभी ने बहुत एंजॉय किया। और अब सब रात भर कोई सोया नहीं था, सब जाग रहे थे, इसलिए बच्चे इतना थक गए हैं कि अभी ये लोग पीछे सो रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी फ्रेश हूँ, बिकॉज मुझे हर बार एंजॉय करना होता है, एक्साइटमेंट होता है। अब घर जाने का वापस एक्साइटमेंट तो है, मगर मन भी नहीं कर रहा था जाने का। रोज छुट्टियाँ होता है, रोज घूमे हम लोग। ठाकुर जी घर पे अकेले हैं ना, इसलिए हमें उनकी भी बहुत याद आ रही थी। और जाना तो पड़ेगा ही, आफ्टर ऑल होम स्वीट होम होता है ना। तो चलो, इस ब्लॉग के थ्रू आई होप आप लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा।
क्योंकि मैंने एक एक मोमेंट को कैप्चर किया है. और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड आई होप टू मेक मोर मोर वीडियोज एंड मेक यू ऑल्सो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट विद अस. थैंक यू. हरे कृष्णा. सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और सबसे 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 ज़्यादा थैंक यू मैं हमारे ठाकुर जी राधा माधव जी का करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हमें इतनी खुशियाँ मिली है. और हम बोल के गए थे ठाकुर जी को कि हम वापस आएंगे कल, जल्दी वापस आएंगे. तो फिर आप घर का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, और इन्होंने हमारा सबका ख्याल रखा और घर का भी और अपना भी. और इसी तरह ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रही और ऐसी खुशियाँ हम सभी के जीवन में होती रही. थैंक यू ठाकुर जी, आई लव यू. हरे कृष्णा.